सो व्हाट्सएप गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका भाई बोलना चाहता है, इस तरह खतरनाक एडिटिंग आपको लेके आया है और बताएगा एंड सिखाएगा भी। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप सीवी फोटो एडिटिंग जान जाएंगे। तो अभी हम अपना ओरिजिनल पिक दिखा रहे हैं, तो देखिए कितना औसम सा खींचा हुआ है हमारा फ़ोटो। ऐसा अभी आपको जैसा हम थंबनेल में दिखाएंगे वैसा एडिट करके दिखाएंगे। तो शेयर वाले आइकन पर टैप करके स्नैपसीड को अपने ओपन कर लेंगे। स्नैपसीड ओपन करने के बाद क्रॉप वाले ऑप्शन पे आके थोड़ा सा हम अपने फ़ोटो को कट कर लेंगे, बैकग्राउंड वगैरह का। कट करने के बाद देखिए हम इस वाले आइकन पर टैप करके अपने जो फेस पे ब्लैक ब्लैक वगैरह था उसको हटाएँगे, थोड़ा सा चमक लाएँगे, तभी हमारा क्वालिटी सा होगा, फेस स्मूथ। तो अभी हम लाइट ऑप्शन वाले मार रहे हैं। देखिए जैसे आपको इस तरह करके लेने के बाद जहां हमारा ब्लैक ब्लैक था उसको थोड़ा जूम करके कर लेंगे। तो इतना प्रोसेस हो जाने के बाद हम अपने बैक को देखिए कलरफुल करते हैं। अभी जैसा हम कलरफुल आपको करके दिखाएंगे वैसा ही आपको सेम कर लेना है। देखिए जैसे कलरफुल हो गया हमारा, तो इस वाले आइकन पर आके हमको अपने कपड़े को और रंगीन कर लेना है। तो इतना सब प्रोसेस करने के बाद देखिए इतना करने के बाद हम जैसा करके दिखा रहे हैं ऐसा आप लोगों को कर लेना है। सेम ऐसा करेंगे तभी आपका खतरनाक सा होगा। तो अंडो वाले आइकन पे आके इस वाले आइकन पे टैप करके एडिटिंग वाले आइकन पे चले जाएंगे। तो इतना सब प्रोसेस हो जाने के बाद हमको 100 को रखना है। तो इसको ऐसे बराबर से चला लेंगे, अपने हैंड पे नहीं चलाएंगे और ना ही अपने बैग पे चलाएंगे। जैसा हमारा बैग अभी कलर दूसरा था तो उसको वैसा ही रहने देंगे। अपने जो कपड़े पे खाली अप्लाई करेंगे जैसा हम से अप्लाई करके दिखा रहे हैं ऐसा सेम आप लोगों को भी कर लेना है। देखिए जैसा हम चला के दिखा रहे हैं, देखिए कितना खतरनाक सा चल रहा है हमारा। तो सेम प्रोसेस ऐसा करेंगे अंडो वाले आइकन पे आके, तो आपका खतरनाक सा फ़ोटो एडिटिंग होगा। तो जहाँ हमारे हैंड पे चला है उसको हटा लेंगे, ऐसा आराम से हटाएंगे, अपने बैकग्राउंड पे भी नहीं चलाना है। तो ऐसा हम चलाएंगे, देखिए जैसे हम सिंपली से चला रहे हैं अपने कपड़े पे, सिंपली ऐसा चलाने के बाद में देखिए अभी हमारा थोड़ा सा बच गया, उस पे चला रहे हैं और रेस कर रहे हैं। तो इतना फोर्सेस हो जाने के बाद देखिए अभी हमारा वो सब पिक लगेगा। तो ऐसे अप्लाई कर रहे हैं हम अपने कपड़े पर, ऐसा आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद और फिर ऐसे अंडो वाले आइकन पे आके, अंडो वाले आइकन पे आके टैप करके हम अपनी जो पट्टी को है ग्रीन कलर कर लेते हैं। जैसा हम करके दिखा रहे हैं आपको सेम फोर्स से ऐसा कर लेना है आपको, तभी आपका ओसम सा होगा। तो ऐसा करने के बाद शेयर वाले आइकन पे टैप करके देखिए अभी हम लाइट मार रहे हैं थोड़ा सा, तो अभी शेयर वाले आइकन पे टैप करेंगे। इतना फोर्सेस हो जाने के बाद लाइट रूम ऐप में गाइस शेयर कर लेंगे। देखिए जैसे हम लाइट रूम ऐप में गाइस शेयर कर रहे हैं, तो शेयर करने के बाद लाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पे आके देखिए इतना सब सेटिंग है। इसी येलो कलर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, पूरा फुल माय 100 कर लेंगे, इसको भी 100 फुल करके इसको उतना रहने देंगे, इसको भी 100 कर लेंगे, इसको भी 100 करके देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर हो चुका है। तो अपने फेस पे अभी कलर करेंगे जैसे हम कलर अप्लाई कर रहे हैं अभी देखिए। तो इतना फोर्सेस करेंगे आप, तो शेयर वाले आइकन पे टैप के शेयर कर लेंगे इस स्केचबुक ऐप में। तो स्केचबुक ऐप में शेयर करने के बाद हम अपने फेस को अभी स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ करने के एक ही ब्रश है अच्छा सा, तो इतना साइज कर लेना है आपको। इतना साइज करने के बाद हम अभी अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अप्लाई कर रहे हैं आपको लोगों को भी उसी तरह अप्लाई करना है। तो अभी हम अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं कि ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा और आप जल्दी से एडिटिंग खतरनाक का सीवी फ़ोटो एडिटिंग सीख भी जाएं। तो 2023 सीवी फ़ोटो एडिटिंग आप लोग भी ऐसा करके दिखाएंगे। तो सेम अपने फेस पे ऐसा हम अप्लाई करेंगे जैसा हम अप्लाई सेम करके दिखा रहे हैं एंड बता भी रहे हैं। तो साइज़ को घटा बढ़ा के करेंगे, तभी आपका फेस ओसम सा होगा, तभी हमारा खतरनाक सा फेस दिखेगा जैसा हम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी। सेम वैसे ही कर लेना है आप लोगों को अप्लाई। देखिए जैसा हम अपने नोज़ पे इरेस पे चला रहे हैं ऐसा चला लेना है आपको।
हम थोड़ा सा वीडियो फास्ट करें हैं इसलिए आपका फास्ट हो रहा है। तो इतना सब प्रोसेस करने के बाद देखिए हम अपने नोज़ पे से चला रहे हैं, सब लोगों को चला लेना है। नोज़ पे चलाने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है उस पर भी चला लेंगे, क्योंकि वो ब्लैक था थोड़ा सा दिख रहा था, तो इसलिए अप्लाई करेंगे हम। देखिए दोनों फिंगर से जूम करके अप्लाई करेंगे तभी हमारा ख़तरनाक सा फेस होगा। तो अपने हैंड पे ऐसा इरेज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा आप लोगों को भी अप्लाई कर लेना है। सेम इतना करने के बाद देखिए हमारा हैंड भी ख़तरनाक सा लगेगा। तो इतना सब फोर्सेस हो जाने के बाद देखिए कितना ख़तरनाक सा हमारा हैंड लगने लगा है। तो इतना हो जाने के बाद हम अभी लिप को अपने रेड करेंगे। तो जैसे हम इतना कर रहे हैं आप लोगों को लेयर बना के करना है। इस टूल वाले आइकन पे जाके लाइट स्टूल वाले इसको थोड़ा सा कम करके इसको हम लाली पे चलाएंगे। इसे देखिए कितना खतरनाक चला रहे हैं लिप पे अपने, ऐसा लिप पे चला लेना है। चलाने के बाद देखिए अब हम हेयर को अपने अप्लाई करेंगे। तो इस वाले आइकन पे दाब के ये वाला ब्रश सबको चूज कर लेना है। इतना सेटिंग सब कर लेना है। इतना सेटिंग करने के बाद हमें एक लेयर ख़त्म कर लेना है। तो इस तो अपने हेयर पे ऐसा अप्लाई करेंगे जैसा हम सेम करके अप्लाई कर रहे हैं, वैसा आप लोगों को भी अप्लाई कर लेना है, तभी आपका हेयर बहुत खतरनाक सा होगा। तो इसलिए हेयर को देखिए कितना खतरनाक सा कर रहे हैं। और इस वाले पेंसिल को लेंगे तो इस वाले पेंसिल का सेटिंग ना कर लेना है। सेटिंग करने के बाद इसका हम थोड़ा सा ब्लैक कर लेंगे और अपने हेयर पे ऐसा चलाएंगे, तभी हमारा कुछ खतरनाक का हेयर दिखेगा। देखिए जैसा हम सेम करके चला रहे हैं अपने बाल पे अप्लाई कर रहे हैं, वैसा आप लोगों को भी अप्लाई कर लेना है। जैसा हम सेम करके अप्लाई कर रहे हैं देखिए कितना खतरनाक सा हमारा अप्लाई हो रहा है। तो इतना फोर्सेस हो जाने के बाद हम शेयर वाले आइकन पर टैप करके इसको शेयर कर लेंगे। देखिए शेयर करने के बाद पिकार टैप में गए शेयर कर रहे हैं। पिकार टैप में शेयर करने के बाद इफेक्ट्स वाले आइकन पर जाके थोड़ा सा हम फोटो को अपने ब्लर कर लेंगे, तभी हमारा कुछ खतरनाक का ब्लर होगा। तो अपने फेस से अप्लाई कर लेना है, जैसा हम हटा रहे हैं ऐसा आप लोगों को हटा लेना है अप्लाई करके। तो सेम आप लोगों को हटा लेना है जैसा हम अपने शरीर से हटा रहे हैं ऐसा आपको हटाएंगे। तो बैक पे भी जैसा हमारा हट रहा है वैसा हटा लेंगे। तो सेम इतना सब करने के बाद देखिए हम अपने बैक पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बैक से हटने के बाद इसका साइज अभी हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो बढ़ाने के बाद में हम अपने जो छूटा था उसको अप्लाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा ब्लर करके और इफेक्ट्स वाले आइकन पे जाके एड फोटो के आने के बाद हम अपने जो PNG वगैरह है PNG करके डाउनलोड करे हैं, आपको वहाँ से गैलरी से लेना है। जैसा हम लेने के बाद दिखाएंगे अभी हम जो ऐड कर रहे हैं इस वाले PNG को गूगल से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद देखिए हमारा थोड़ा सा ओरिजिनल लग रहा है। इतना फोर्सेस हो जाने के बाद में हम उस वाले PNG को ले लेंगे जो हमारा 24 चल रहा है 2000, तो उसको लगा लेंगे अच्छे तरीके से जैसा हम लगा के दिखा रहे हैं आप लोगों को भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इतना फोर्सेस हो जाने के बाद देखिए इतना PNG ले लेना है। इतना PNG लेने के बाद देखिए हम इसको अच्छे से यहाँ बैठा लेंगे और इसको सेट भी कर लेंगे यहाँ पर। तो सेट करने के बाद हम अपने वो जो AK भैया का लोगो है उसको लगाएंगे, तो भी हमारा देखिए कितना खतरनाक सा लगने लगेगा। तो ये रहा, तो इसको बढ़िया अच्छे से बैठा के लगा लेंगे। तो इतना फोर्सेस हो जाने के बाद तो गाइस देखिए आप ओरिजिनल भी कितना खतरनाक सा लगने लगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, देखिए कितना खतरनाक सा हमारा ओरिजिनल पिक लगने लगा। तो सेम करके आप लोग कर लेना है।